सबसे पहले सभी को नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि आज अब मैं मूड बना लिया वे इस गाने का लॉन्च हुआ है आज। एंड आई हैव द बेस्ट पीपल हु हेल्प्ड मी नेक्स्ट टू मी। ये गाना सुनते साथ भूषण जी को भी बहुत पसंद आया। मी ब्रदर्स का कंपोजिशन है और मैंने भी सुना तो मैंने सोचा ये तो मुझे पक्का गाना है। व्हेन दे मेड मी लिसन टू इट, आपने जैसे बोला जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी। बट व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छी तरीके से मुझे डिक्शन और एक्सप्रेशन समझाया कि इट वाज वेरी इजी सब्सिक्वेंटली। तो उधर मीत ब्रदर्स गा के सुनाते थे एंड देन आई कॉपीड देयर स्टाइल कम्प्लीटली फॉर दिस सॉन्ग। तो आई थैंक बोथ ऑफ देम, हरमीत एंड मनमीत, बोथ ऑफ देम, दे वर देयर ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। तो मुझे बहुत खुशी है उसकी। एंड उसके आगे चलते हुए आफ्टर दिस सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड, जो उसका शूटिंग था वो तो अगेन इट वॉज लाइक फन। वी हैव द ब्राइड विथ अस, इनकी शादी पे मैं इनकी एंगेजमेंट पार्टी पे मैं गई थी और उसके पहले बैचलरेट पार्टी। एंड मिस्टर आदिल जिन्होंने ये सॉन्ग डिरेक्ट किया, अक्रॉस द शूट पता ही नहीं चला कि हम कुछ कर रहे। इट वॉज लाइक सो नेचुरल और मस्ती मजाक फन। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड लवली लिरिक्स बाय मिस्टर कुमार। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा स्पंकी सॉन्ग था, तो यू नीडेड दैट काइंड ऑफ अ लुक। तो एज सजेस्टेड बाय द डिरेक्टर आई फॉलोड इट एंड इट रियली वर्क। बेसिकली इट्स 3 मिनट में या 2.5 मिनट में आप कुछ कहानी अगर बोल सकते हो डांस के साथ तो इट इज़ मोर एंटरटेनिंग फॉर पीपल टू वॉच, दैट इज़ द रीज़न। और गाना सुन के जैसे लिरिक्स और म्यूजिक बेसिकली क्या होता है कि जब आप कुछ सुनो और जो विजुअलाइज करो वही चीज़ अगर पर्दे पे भी दिखे तो वो और मज़ा आता है देखने के लिए। तो इट्स जस्ट द ऑडियो सपोर्टेड मी टू थिंक दैट एंड ऑब्वियसली मैम सपोर्टेड मी कि हम लोग का जो विजन था शी वॉन्टेड टू डू दैट एंड सब कुछ चीज़ें साथ में आने के बाद जो आपको दिख रहा है वो आज। मुझे यकीन है कि ये सॉन्ग दिस इज़ अ बैचलरेट एंथम एज दे से, तो मुझे लगता है हर शादी में बजेगा, लाउंज में बजेगा और लोग जिनको रिलैक्स करना हो, रिजुविनेट करना हो, गाना लगा के डांस करें या गुनगुनाए तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए। आजकल हर कोई बहुत मूडी हो गया है इसलिए ये लाइन हर कोई यूज़ करता है, यूथ यूज़ करती है कि मूड बन गया है या मूड कॉफ़ी का मूड बना लेते हैं यार, चलो पार्टी का मूड बनाते हैं। देखिए जैसे आपने बोला सोशल कॉजेस, चाहे वो स्त्री भ्रूण हत्या हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड और एसिड विक्टिम्स के गाने, उसमें यू आर लिटिल बिट टेंस्ड इनसाइड, वो फीलिंग आती है आपको। इस गाने में आई वॉज कम्प्लीटली रिलैक्स क्योंकि गाना ही ऐसे मूड बना देता है। आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू लाइव शोज बट फॉर चैरिटी एंड आई कैन कंटिन्यू दोज काइंड्स, बट मीत ब्रदर्स के साथ आई कैन डू अ लाइव शो ऑन दिस सॉन्ग, स्टार्टिंग विद दिस सॉन्ग। खूप सुंदर अनुभव होता आणि आधी सर्वात आधी तुम्हाला धन्यवाद देण्यासाठी आणि आपली पूर्ण टीम इथे बसलेली आहे, कॉन्ट्रिब्युशन ज्यांनी केलं आहे, एक खूपच सुंदर सॉन्ग कंपोजिशन बाय मीत ब्रदर्स हरमीत आणि मनमीत जी, जे रेकॉर्डिंगच्या वेळेस माझ्याबरोबर होते, ज्याच्यामुळे ती डिक्शन मला नीट म्हणता आली। आपल्याबरोबर त्याचे डायरेक्टर आहेत व्हिडिओ डिरेक्टर आदिलजी, ज्यांनी जो व्हिडिओ पूर्ण जो शूट झाला त्याच्यात असं मजेशीर एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं आणि खूप क्रिएटिव्हली हा व्हिडिओ बनवला। तर तुम्ही पाहिलंच की किती सुंदर असा त्यांनी छोटासा कन्सेप्ट घेऊन त्याला वीव अराउंड केलं। आणि आपल्याकडे ब्राईटपणे हिच्या बॅचलरेट पार्टीला मी गेलेली होती मेहक, आणि मुलगा गायब आहे आज पण तो सर्व करतो, त्याला आम्ही पळून दिलं।
तर ओवरऑल खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. लिरिक्स पण सुंदर होते श्री कुमारजी यांनी लिहिलेले. माझ्यासाठी वन ऑफ द न्यूएस्ट एक्सपिरियन्स होता, कारण टिपिकल पंजाबी मला बोलावं लागलं आणि म्हणावं लागलं. आणि दुसरं डान्स अँड डिफरंट काइंड ऑफ लुक होती. आणि आदिल जीन वर पूर्ण बिलीव करून मी जसं सांगितलं तसं केलं. एक बिहाइंड द सीन्स की चीज़ आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैम सबको क्रेडिट दे रही हैं लेकिन ये नहीं बता रही कि इन लोगों ने, इन्होंने जब डबिंग के लिए आई तो हमें लगा कि पंजाबी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी पंजाबी की लैंग्वेज पकड़ी और इतना स्मूथली गाया कि ऐसा नहीं कि हमने इनके लिए केक वॉक कर दिया. शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड एक एक चीज़ के लिए मैम का फ़ोन आता था, चाहे वो स्केल हो, चाहे सुर हो, चाहे लिरिक्स हो. शी वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इन द क्रिएशन. सिर्फ सिंगर नहीं थी, इवन इनफैक्ट वीडियो में भी, आई थिंक वीडियो में भी बेसिकली पोस्ट भी हर एक चीज़ मैम के साथ डिस्कस करके, ये एक एक पॉइंट, मतलब जो चेंजेस भी होते थे वो एक एक मिनट प्रॉपर टाइम पे. सो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हम लोग ने जो चाहा वो मैम ने ट्राई किया और मैम ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को. और उसके बाद जो पोस्ट में भी जो उनका इनपुट्स थे हर एक चीज़ में, एक एक डिटेलिंग में, वाज अमेजिंग. लग रहा था कि कुछ सीख के ऐसे न्यूयॉर्क एकेडमी से आता है ना, सीख के कि लिरिक्स कॉम्पोजिशन प्रोडक्शन में भी अरेंजमेंट की कौन सा रैप कहाँ जाना है क्या. yes. हर एक चीज़ में ऐसा लग रहा था कि बहुत मैम सीख के आई हैं. हम बहुत रिलैक्स थे इस बार. तो एक्चुअली क्रेडिट, अ बिग क्रेडिट गोज टू मैम. एंड दैट्स अ फैक्ट. कोई भी काम करेगा तो वो बता सकता है कि हाउ टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड मैम इज. अभी बहुत पर्दे के सामने आई नहीं है. जब अच्छे से सबको पता लग जाएगा इनका टैलेंट, देन शी विल बी ऑन टॉप इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. इतना म्यूजिक बज रहा है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर है आप, और फटाफट नेक्स्ट अगर कोई हज़ार रुपये ज़्यादा दे तो आप नौकरी जम कर जाते हो. कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड और खूबसूरत लड़की भाव दे तो आप गर्लफ्रेंड उसको बना लेते हो. सेम लड़कियों के लिए भी है. तो समय चेंज हो गया तो म्यूजिक में स्थिरता कैसे रह जाएगी. और टेक्निकली हाँ, ऑटो ट्यूनर का मैं आपको जवाब देता हूँ. जैसे टेक्निकली नहीं, हम उसके बारे में बताते हैं. टेक्निकली आपको बहुत सिंपल आपके तरीके से समझाते हैं कि आप सबको पता है कि जब पहले पिक्चरें और पिक्चरों में जब डायलॉग बोले जाते थे, हीरो हीरोइन जब बोलते थे, तो लाइव वहीं पर रिकॉर्डिंग होती थी. आपको ये तो पता है, स्टूडियो में नहीं होती थी बाद में आके. करेक्ट. क्यों चेंज हो गया? बिकॉज टेक्निकली डिमांड ऐसी है कि स्टूडियो के अंदर और अच्छी क्वालिटी. तो आज के जो माइक हैं वो एक नॉर्मल, जिस गले के अंदर जो हमारी नसें हैं और ब्लड है उसको वो एनालॉग जो रॉ होता है वो कैप्चर ही नहीं करता. वो डिजिटल होता है, बाइनरी नंबर होता है. तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता. वो टेक्निकली मशीन ही ऐसी बनी आज की डेट में. तो आपको ऑटो ट्यूनर लगाना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा तानसेन क्यों ना हो. या आप जाके किसी भी टेक्निकल आदमी से चेक कर लीजिए. पहले गाने जब रिकॉर्ड होते थे तो उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाने रिकॉर्ड होते थे. आजकल पूरा गाना कंप्यूटर पे बनता है. तो जब कंप्यूटर पे बनता है तो उसमें जब आवाज़ बहुत ज़्यादा लहर खाती है तो वो मैच नहीं होती. तो उसको बैठाने के लिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, अगर आज सितार भी बज रहे हैं जैसे गाने में जो बजा है वो भी एक प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है. तो उसके बीच में हमको यूज़ ही करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है. बैलेंस करने के लिए, सही ट्रैक पे लाने के लिए उसको हमें डिजिटली ऑटो ट्यून करना पड़ता है. हिंदुस्तान में आप हर 20 किलोमीटर में बोली बदल जाती है. अब हर बोली का एक जुबान कैसे चलती है, उसके डायलेक्ट होता है, जैसे फेनेटिक्स होते हैं. पंजाबी जो लैंग्वेज है वो बहुत बाउंस है उसमें. हाँ जी, होर जी, की हाल है तो अडा. सो देर इज़ अ रिदम इन द बोली. उसकी वजह से आप उसमें जब आप गाते हो उस लैंग्वेज में तो वो आपको ऑटोमेटिकली बाउंस देती है. तो सुन के मन करता है डांस करने का, एंजॉय करने का. और सैड भी म्यूजिक उस गाने होते हैं उसमें भी, वो क्योंकि लिरिक लैंग्वेज का बोलने का स्टाइल वैसा है तो वो म्यूजिक को सूट करती है. एग्जैक्टली. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, आज वर्ल्ड में चाइनीज भी हो सकती थी फेमस, बट इंग्लिश लैंग्वेज का जो लहजा है, उसका जो एक्सेंट है, उसका जो फ्लो है, वो बहुत नेचुरल है. तो इसलिए वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में इंग्लिश तो बोली जाती है, चाहे कोई और लैंग्वेज बोल. पंजाबी का भी ऐसा ही है. सारी लैंग्वेजेस में अगर आप किसी एक लिंग्विस्टिक से बात करोगे तो बोलेगा पंजाबी के अंदर सब कुछ बड़ा राउंड सा है, एक बाउंस है, एक भांगड़ा है, एक गिद्दा है. तो वो बहुत जल्दी कैच करता है म्यूजिक लवर्स में. इसलिए इट्स अ नेचुरल फिनोमेना क्रिएटेड बाय सरस्वती माँ. भाई मैं रुको रुको रुको